भाजपा राष्ट्रीय प्रदेश एवं जिला संगठन के आह्वान पर दुर्ग जिला भाजपा गंजपारा सदर मंडल के अंतर्गत विभिन्न वार्ड एवं बूथ स्तर पर प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम को सुना गया। आज माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 50वीं मन का बात का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम को लगातार दुर्ग जिला संगठन और दुर्ग जिला के अंतर्गत सभी मंडलों में गंजपारा सदर मंडल के अंतर्गत वार्ड 55 पुलगांव के बूथ क्रमांक 180 पे आज हमने इस कार्यक्रम को सुना। इस कार्यक्रम में हमारे बीच वरिष्ठ हमारी नेत्री आदरणीय श्रीमती उषा टावरी जी, जिला मीडिया प्रभारी के एस चौहान जी, महामंत्री राहुल पंडित जी एवं वार्ड 55 के समस्त कार्यकर्ताओं के साथ हम सभी ने मन की बात के कार्यक्रम को सुना। निश्चित ही उनके मन की बात का हर कार्यक्रम एक प्रेरणादायक और जीवन में संघर्षों को से लड़कर कैसे आगे बढ़ना है इस विषय पर हर विषय को रखते हैं और देश को कैसे हम आगे बढ़ाएं, इन बातों पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान रहता है। हम उनकी बात को सुनकर उनकी बातों पर जरूर चरितार्थ करें, ऐसी हम आशा करते हैं। और सभी को आज के कार्यक्रम में जो आए उनको सभी को सादर धन्यवाद। मैं बलराम साहू 179 का बूथ अध्यक्ष वार्ड क्रमांक 55 पुलगांव। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात की कार्यक्रम का 85वें एपिसोड में हम शामिल हुए। उसने देश के प्रति बहुत अच्छा बात बताया हमको कि देश में स्पोर्ट के प्रति, खेल के प्रति भावना क्या है और देश में स्वच्छता के बारे में बताया हमको। हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा और हम भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता एवं सभी से निवेदन करते हैं कि अच्छा से हमारे देश का कार्यभार संविधान से राष्ट्र और प्रदेश दोनों हमारे यहाँ संगठन का आह्वान था कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात बूथ स्तर में जाके, अपने अपने बूथ स्तर में जाके या कोई भी एक बूथ में जाके सुना जाए। उसी के तारतम्य में हम वार्ड 55 के 180 नंबर बूथ में बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ आज हमने मन की बात सुनी प्रधानमंत्री जी की। और उन्होंने जो विशेष ध्यान स्वच्छता अभियान और सिंगल यूज प्लास्टिक और आत्मनिर्भर के लिए जो कहा है और हमेशा बोलते हैं अपने मन की बात में, उस पे हमको ध्यान रख के देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। और कोरोना पे भी उन्होंने बात कही। बहुत खुशी की बात है कि आज 2-3 हफ्तों में ही हमारे युवाओं ने, बच्चों ने 60% टीका ले लिए और प्रिकॉशन डोज भी हमारे यहाँ काफी लगा है, जिससे कि कोरोना की रफ्तार में कमी आई है देश में। यही खुशी की बात है।